प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में एक बार फिर से नियमित सेवाएं शुरू हो रही है। अस्पताल को कोरोना फ्री करने के बाद अन्य मरीजों के लिए आज से ओपीडी को शुरू कर दिया गया है। इससे पहले अस्पताल में कोरोना तथा अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों का ही फिलहाल इससे पहले इलाज किया जा रहा था। ऐसे में अब अन्य मरीजों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल को कोविड फ्री कर दिया गया है। अस्पताल में भर्ती सभी कोरोना मरीजों को RUHS में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उनके इलाज के लिए SMS के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को लगाया गया है। हालांकि SMS अस्पताल में अभी खांसी, जुकाम, बुखार आदि के मरीजों के लिए चरक भवन में अलग से ओपीडी शुरू की गई है, जिससे कि कोरोना संक्रमित मरीजों को अन्य मरीजों के संपर्क में आने से बचाया जा सके। इसी के साथ अस्पताल में क्राउड मैनेजमेंट के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराने वाले मरीजों को प्राथमिकता फिलहाल दी जा रही है। कोविड फ्री करने के बाद में SMS अस्पताल में फिर से वो नियमित सेवाएं शुरू हो चुकी है। जिस तरह से हम SMS अस्पताल के धन्वंतरी आउटडोर में है, जहां पर सभी वो सुविधाएं शुरू हो चुकी है जो पहले से कोरोना संक्रमण से पहले से संचालित थी। जिस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से SMS अस्पताल में जो बाहर से मरीज आने वाले हैं उनको मास्क दिया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज किया जा रहा है, इसके लिए अलग से लगाया गया है, काउंटर लगाया गया है, उसके बाद में ही मरीजों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जिस तरह से ये धन्वंतरी आउटडोर है, जिसमें पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और सभी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो उपाय हैं उनको ध्यान में रखते हुए मरीजों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मरीजों के साथ में केवल एक ही परिजन को यहाँ पर अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक जो बदलाव है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, कि जो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो तमाम संसाधन है वो अपनाने की खासी ज़रूरत है। मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर की जा रही है, ताकि अन्य मरीजों को किसी तरह की जो शिकायत है वो नहीं हो, संक्रमण फैलने की आशंका है वो नहीं हो। जो यहाँ SMS अस्पताल में जिस तरह से मरीजों को लाया गया, उसी तरह से आप देखते हैं किस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जो पट्टियाँ बनाई गई है, कि जहाँ जो पट्टियाँ बनाई गई है, जो लाइन मार्क किया गया है, वहीं पर खड़े होकर जो मरीज है अपनी जो अन्य सेवाएँ हैं वो शुरू कर सकते हैं। इसको लेकर SMS अस्पताल के जो प्रशासन है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि किसी तरह की जो अनहोनी नहीं हो, संक्रमण फैलने की जो आशंका है वो नहीं हो। हमारे साथ SMS अस्पताल के उप अधीक्षक SS राणावत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई है कोरोना संक्रमण के बाद में अब फिर से सेवाएं शुरू की गई उस दौरान? देखिए, हमारे अधीक्षक के साथ हमारी 2-3 मीटिंगें हुई हैं, प्रिंसिपल लेवल पर भी काफ़ी हमारी वार्तालाप हुई। उन सबको देखते हुए और जो गवर्नमेंट के आदेश थे कि 1 तारीख से नॉन कोविड हॉस्पिटल शुरू करना है, जो पब्लिक की व्यवस्था है मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से उसको मॉनिटर कर रहा है। इसमें हमारे बहुत स्टाफ का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, पब्लिक का हमको सहयोग मिला है। जगह जगह हमने सबसे पहले तो बैनर्स लगाए हैं, आप माइक सिस्टम से देख रहे हैं, हमने ऑडियो विजुअल भी लोगों को समझाया है, गवर्नमेंट लेवल पर भी बार बार इसकी समझाइश चल रही है। उसी के अनुकूल हमने हमारे सोशल डिस्टेंसिंग को, पर्सनल हाइजीन को, अपने कैसे सेल्फ प्रोटेक्शन किया जाए, इन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ सुचारू रूप से रजिस्ट्रेशन की सुविधा की है, जहाँ हमने आप यहाँ भी देख सकते हैं लाइनें लगी हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हर लाइन में जैसे 1-1 मीटर का गैप दिया गया है, तो लोगों की दूरी बनी रहे। लोगों को समझाइश है बिना मास्क के अस्पताल में ना आए। अगर आप बाहर से अंदर आए, आपने देखा कि हमारे आज तो हम ये कोई पैलेंटी नहीं लगा रहे हैं, लोगों को समझाइश ही कर रहे हैं कि ये आपका खुद के लिए ज़रूरी है। आप खुद अच्छे रहेंगे तो आपका आसपास का वातावरण स्वस्थ रहेगा, वातावरण स्वस्थ रहेगा तो आपका समाज और देश और हर लेवल पे हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। उन चीज़ों की वजह से आज की तारीख में हमारे लोगों की समझाइश बहुत ज़रूरी है कि कृपया अपना सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, स्वयं को ध्यान रखें, आप मास्क पहनिए, हैंड वॉश के लिए जगह जगह है, गेट के ऊपर भी हमने हैंड वॉश का लगा रखा है यहाँ भी, और उसके लिए अंदर बिना मास्क के एंट्री वो भी हमने बता रखा है। मेरा सारा स्टाफ, सारे जने जितने भी यहाँ खड़े हैं, सब काउंसलिंग कर रहे हैं, और आज हमने यही कहा कि हमको कुछ दिन लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और किसी को भीड़ नहीं हो, अनावश्यक देरी ना हो, उस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सुचारू रूप से कर रहा है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए और साथ ही साथ अन्य जो उपाय हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर से जो SMS अस्पताल में जो सेवाएं हैं वो शुरू की गई है। जयपुर से कैमरामैन रामकिशन सैनी के साथ मैं लोकेश ओला A1।